इधर देखिए लगभग 20 मिनट हुआ है और हमारा जो मटन है वो हो चुका है तैयार और अब इसे निकाला जा रहा है। इस तरह से इसको कट किया जा रहा है ताकि पक जाए। देखिए मटन को आधा पकाने के बाद इस तरह से कट किया जाता ताकि पूरी तरह से वो पक जाए और फिर इसको चढ़ाइएगा। यहाँ का फेमस डिश है, नहीं मुजफ्फरपुर का फेमस डिश है ये मटन ताश। अभी मसाले में क्या क्या डाले हैं? जो घर में जीरा धनिया हल्दी गुलकी नमक मिर्च अदरक लहसुन, मतलब जो अदरक नहीं डालते हैं। और आपके प्लेट देख के भी लग रहा है कि बहुत शौकीन है मटन के आप। हाँ बिल्कुल। कौन सा ये लिए हैं? मटन ताश जो उनका ट्रेवल, तो इनका यहाँ का फेमस सबसे फेमस ताश है। इसके साथ मुरही या रोटी खाते हैं लोग, बहुत ही फेमस है। अभी से तो स्टार्ट हुआ है, टिल इवनिंग काफ़ी यहाँ पे रश होता है। अभी 12 बजे है, अभी जस्ट देखिए स्टार्ट हुआ और सारा टेबल जो है इनका ऑक्यूपाइड है, लोग बैठ के लंच कर रहे हैं। कोई अब तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सर्च कीजिए ZAIK_PATNA_KE जायका पटना को सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट सिर्फ इंस्टाग्राम पर आते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम लोग पटना को छोड़ के आ चुके हैं मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में शुरुआत कर रहे हैं, जो कि पूरे रिसर्च में पता चला मुजफ्फरपुर का जो बेस्ट आउटलेट है, बेस्ट होटल है, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं और उसका नाम है ये अमर मीट। और आपको मटन से मेरा प्यार पता है तो शुरुआत तो खैर मटन से ही होना चाहिए। और मुजफ्फरपुर में हम लोग जितने भी स्पॉट्स को मतलब खोजे हैं कि जहाँ जहाँ का वीडियो बनाने का प्लान है, मोस्टली है मटन वाला ही या नॉनवेज वाला ही स्पॉट सब है। उसमें सबसे पहला है हमारा अमर मीट, और काफ़ी यूनिक स्टाइल है यहाँ का मटन बनाने का। लोकेशन वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एग्जैक्ट लोकेशन, वैसे लक्ष्मी चौक बोलते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मटन बनता कैसे, बिल्कुल यूनिक स्टाइल का मटन है। इस तरह का मटन आपको पटना में नहीं मिलेगा। आते साथ जो मतलब मटन का खुशबू है, लगता है यहाँ के पूरे वातावरण में ही है मटन का खुशबू। और इधर देखिए हमारा बन रहा है यूनिक स्टाइल का मटन, इस तरह से समझिए कि ट्रे पे मटन बनाया जा रहा है। इस तरह का कॉन्सेप्ट पटना में हम लोग नहीं देखे थे। क्या बोलते हैं इस मटन को? मटन ताश। मटन ताश जी। अच्छा, और कितना टाइम लगता है इसको बनने में? 15 से 20 मिनट। बस 15 से 20 मिनट। वही हम लोग भी पता किए थे कि सिर्फ 20 मिनट में यहाँ मटन बन जाता है। तो क्या इसके पीछे का साइंस है, मतलब 20 मिनट में कैसे बन जाता है मटन? ये मटन पूरा बिछा हुआ रहता है, चापा हुआ रहता है, ठीक है। आप देखिए मटन जो इनका कह रहे हैं कि पूरा बिछा हुआ और चापा हुआ जी, प्लेट पूरा बिछा हुआ है, चापा हुआ मटन रहता है, मतलब हर एक पॉइंट पे यहाँ हीट मिल रहा है, पीस पे मटन पर ताव लगता है। अच्छा, ठीक है। और हर एक पोर्शन होता है मटन का? जी हर एक पोर्शन, जो भी पोर्शन खोजिएगा वो पोर्शन मिलेगा। रेट क्या होता है इसका? रेट है 200 प्लेट है, 4 पीस। कितने का? 200 में 4 पीस, मतलब 50 रुपये पीस रेट होता है। और इधर इनका मटन देखिए, मतलब काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रहा है यहाँ आते साथ ही हम लोग को, और हर एक पोर्शन मिलेगा। लेकिन ये हमको लगता है वो ऑथेंटिक ताश वाला स्टाइल का नहीं हुआ, ऑथेंटिक टाइम हम तावा पे देखते थे हम लोग। नहीं, तावा पे वो अलग हो गया, सूखा हुआ भूसा, ये ताश ये होगा। अच्छा, ठीक है। ये मटन पूरा चापा हुआ है, एक एक पीस, उसमें ग्रेवी भी रहता है हल्का फुल्का। ताश में ग्रेवी बनता नहीं है, सूखा हुआ रहता है। हाँ, लेकिन इसमें हल्का ग्रेवी होता है जी। और कितना देर लगेगा और अभी इसको बनने में? बस 5 मिनट। कितने देर पहले चढ़ाए हैं? 15 मिनट हो गया होगा। तो मैरिनेट वगैरह पहले से करके रखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इनका मटन रखा कहाँ रहता है। इनका मटन है और मटन में मसाले को मिक्स किया जा रहा है। ये मटन का साइज़ क्या होता है? ये साइज़ लगता है छोटे साइज़ का मटन आप लोग लेते हैं, खसी जो है छोटा साइज़ का यूज़ करते हैं। 7 किलो का रहता है। 7 किलो का, तभी इतना जल्दी पक जाता है जी सर। ये मसाले में क्या क्या डाले हैं? जो घर में जीरा धनिया हल्दी गुलकी नमक मिर्च अदरक लहसुन, मतलब जो अदरक नहीं डालते हैं, बस लहसुन। और सारा मसाला आप लोग का खुद का रहता है या पाउडर वाला? नहीं सर, आप खुद पिसवा के लाते हैं। खुद पिसवा के लाते हैं। कितना किलो ख़त्म होता है एक दिन में इस तरह से मटन? ये मटन ताश के लिए है ना जी सर। कितना किलो ख़त्म हो जाता है? 20-22 किलो। कितने देर तक कीजिएगा मैरिनेट? हाँ, अभी नमक रखेंगे सर, हो जाएगा। अच्छा, बस तुरंत किए और फिर तुरंत चढ़ा देना है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा आइटम मिलता है यहाँ पे? मटन स्टू, उसका क्या रेट होता है? वो भी दोनों सेम है। सेम रेट वगैरह सबका सेम है? सबका। इस तरह से इसको कट किया जा रहा है ताकि पक जाए। देखिए मटन को आधा पकाने के बाद इस तरह से कट किया जाता ताकि पूरी तरह से वो पक जाए और फिर इसको चढ़ाइएगा। यहाँ का फेमस डिश है, नहीं मुजफ्फरपुर का फेमस डिश है ये मटन ताश। हर एक पीस को ऐसे कट कीजिएगा? नहीं नहीं सर, जो उस पकने वाला नहीं पीस होता उसको करते होंगे।
अभी आपका लगता है आधा पक चुका है, अंदर में देख रहे हैं हम लोग एकदम रेड कलर हो चुका है। 5 मिनट और लगेगा। इसको लोग खाते किसके साथ है? चूड़ा के साथ। बस हम लोग 5 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद इसको निकलवाएंगे और फिर ट्राई करते हैं। इसमें क्या हो गया? मटन है, रस वाला। मटन रस वाला है, स्टू मटन हो गया। जरा दिखाइए, जरा चला के इसको। ये हो गया इनका मटन स्टू, और कोई सा भी डिश लीजिए रेट होता है सेम। लगभग कितना किलो किलो बनता है दिन भर में? आठ सात किलो। उधर क्या बन रहा है? रोटी। रोटी बन रहा है सर। इधर देखिए, इधर रोटी गर्मा गर्म, रोटी और चावल बनाया जा रहा है। रोटी का क्या रेट होता है? 5 रुपये सर। 5 रुपये पीस जी सर। तो लोग ताश को रोटी क्या खाते हैं, चूड़ा के साथ? रोटी खाते हैं, दोपहर का समय है ना, रोटी खा लेते हैं। शाम का समय में चूड़ा खाते हैं। अच्छा, हम लोग भी चूड़ा और ताशी खाएंगे। ठीक है सर। इधर देखिए, कुछ कस्टमर है जो कि मटन इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का मटन? एक्चुअली यहाँ का मटन फेमस है पूरे बिहार में। एक्चुअली मैं इनफैक्ट सीतामढ़ी से आता हूँ। अच्छा। जब भी मंथ में एक दो बार आना होता है तो कहीं भी काम हो मुजफ्फरपुर में, यहाँ आके मटन जरूर इंजॉय करके जाता हूँ। यहाँ का मटन ज़रूर खाना है। हाँ, और आपके प्लेट देख के भी लग रहा है कि बहुत शौकीन है मटन के आप। हाँ बिल्कुल। कौन सा ये लिए हैं? मटन ताश जो उनका ट्रेवल, तो इनका यहाँ का फेमस, सबसे फेमस ताश है। इसके साथ मूढ़ी या रोटी खाते हैं लोग, बहुत ही फेमस है। अभी से तो स्टार्ट हुआ है, टिल इवनिंग काफ़ी यहाँ पे रश होता है। अभी 12 बजे है, अभी जस्ट देखिए स्टार्ट हुआ और सारा टेबल जो है इनका ऑक्यूपाइड है। लोग बैठ के लंच कर रहे हैं, कोई रोटी खा रहे हैं, कोई भूंजा खा रहे हैं, कोई चावल खा रहे हैं। हम लोग ही बैठते हैं, प्लेट लेते हैं, खाते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है। इधर देखिए, लगभग 20 मिनट हुआ है और हमारा जो मटन है वो हो चुका है तैयार और अब इसे निकाला जा रहा है। आप कौन सा पसंद करते हैं खाना? हम तो पसंद करते हैं नली वाला। ये हम आपसे च्वाइस पूछा जाएगा और जो पीस आपको पसंद है वही दिया जाएगा। बस एक एक पीस दीजिए, एक एक पीस दीजिए, एक एक पीस दीजिए। और भी बहुत जगह का हम लोग, और भी हम लोग को बनाना है बहुत जगह। ठीक है, दो पीस टेस्ट कीजिए। थोड़ा तेल वगैरह डाल दीजिएगा। चूड़ा खिलाइए। लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? एकदम थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा चूड़ा दे दीजिए, एक रोटी दे दीजिए। इस तरह से देखिए, चूड़ा के ऊपर भी ग्रेवी को डाला जाता है। आइए, हमारा आ चुका है मटन और चूड़ा का भुजा। चूड़ा का भुजा नहीं, फरी है। फरी के ऊपर इस तरह से देखिए प्याज और ग्रेवी डाल के दिया गया। एकदम जो देसी स्वाद होता है, गांव वाला फील होता है, वो वाला फील मिलेगा। और मटन भी चॉइस का मिलेगा। मटन भी लटपट ग्रेवी है, बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं है यहाँ पे, वो करी वाला नहीं है। समझिए कि असली मज़ा जो है या तो रोटी या तो भुजा के साथ ही इसका आने वाला है। ट्राई किया जाए, देखा जाए टेस्ट कैसा है। सबसे पहले इस मटन को खाते हैं। मतलब 20 मिनट में मटन बन रहा है, ये खुद में ही एक लगता है रिकॉर्ड टाइप से कुछ है। और काफ़ी ज़्यादा गर्म है मटन, क्योंकि हर एक पीस को इक्वल अमाउंट में टेम्परेचर मिलता है यहाँ। हर एक पीस प्रॉपर्ली चढ़ा रहता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं कहेंगे, टेस्ट बहुत बढ़िया है। मटन हल्का हार्ड है, एकदम सॉफ्ट नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है, एकदम स्पाइसी। खाते साथ आपको जो मसाला और तेल का जो टेस्ट है वो आएगा, और एकदम सूखा लटपट ग्रेवी। सरसों तेल का जो अपना टेस्ट होता है वो इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि ग्रेवी जो है वो एकदम ऑयल बेस पे है।
बहुत बढ़िया लगा। जिनको मसाला तेल वगैरह पसंद है बहुत मज़ा आने वाला है इस मटन को खा के। वाह, हल्का हार्ड है, हल्का सा हार्ड है तोड़ने में, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो इसका जो हार्डनेस की वजह से जो पॉइंट कटेगा उसका टेस्ट उस पॉइंट को डबल कर दे रहा है। वाह, अब खाया जाए इस चूरा के भुजा को, और थोड़ा सा मटन इसमें भी आपको मिल रहा है ग्रेवी के साथ। वाह, मज़ा आ गया। जिन्हें बहुत ज़्यादा तेल वेल नहीं पसंद है वो इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन ग्रेवी और तेल का, लेकिन हम जैसे लोग जिनको तेल मसाला पसंद है बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा आ गया खा के। और साथ में आपको ये घर वाला रोटी भी मिल रहा है, आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत एकदम थोड़ा सा, बस 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 बस। हाँ, ऑयली और स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए इससे बेटर नहीं हो सकता है कुछ। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, अब ज़्यादा बात होगा नहीं, आराम से बैठ के इंजॉय करना है। लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं तो खैर आपको पता ही होगा काफ़ी फेमस है यहाँ का। अगर पटना के हैं, कभी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ से। इसी का वीडियो को ख़त्म करते हैं, थैंक यू।